सबसे पहला प्लेस डिसाइड किया था हमने घूमने के लिए उदयपुर में, वो है था सेलिब्रेशन मॉल। आओ मेरा चीज़ी बर्गर। अंदर शॉपिंग करने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे बाहर पीने में चूर चूर। पहली प्लेस ये कौन डिसाइड करता है घूमने के लिए? आर्किटेक्चर कुछ इस हिसाब का है, महाराजाओं के जमाने का बोलते हैं ना, कला और आकृति पत्थर पे लकीरें बनाता बोल रहा हूँ। फतेह सागर लेक है, फतेह सागर इसका लंबाई 7 किलोमीटर से। अच्छा, 7 किलोमीटर। अभी आप गाड़ी से आए अगर हेलीकॉप्टर से आते हैं तो भारत के लक्ष्य के हिसाब से बना रखा है। अच्छा, इसका गहराई है 22 फीट। अच्छा, जब फतेह सिंह जी ने बनाया था। अच्छा, ब्रिटिश के जमाने के अंदर बनाया। मेरा मूड ही चेंज हो गया एकदम से, मेरा मूड चेंज हो गया। मेरा मूड था एकदम ऑफ, मतलब ऑफ यानी मैं बोला यार इतने दूर आए, बारिश गिर रही है, कहाँ पे कैमरा निकालेंगे, कहाँ कुछ शूट करें साइड में, वरना अगर पुलिस वाले आ जाएँ फॉर एग्जांपल तो निकलना पड़ेगा। मतलब 5-10 मिनट आप फोटो वगैरह क्लिक करवा के यहाँ से निकल सकते हो शांति से। मस्त है, मज़ा आ गया एकदम। पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इसका नाम है मोती मंगरी कहते हैं इसको, मंगरी का मीनिंग है छोटी पहाड़ी बड़ी पहाड़ी, देखकर खाना शुरू करते हैं, इसलिए सूर्य का मोनोग्राम है। सूर्य बादलों में छिप जाता, राजा को भूखा रहना पड़ता था, एक सूर्य का मोनोग्राम बनाया यहाँ पर और एक यहाँ बनाया सिटी पैलेस में। जन्म हुआ है कुंभलगढ़ में और लड़ाई हुआ हल्दीघाटी में, 1576 का फाइट हल्दीघाटी का। सोशल नहीं पढ़ा तुमने? मुझे पता है लेकिन ये सब। वेरी गुड, वेरी नाइस। इसका एक ही कारण था, राजस्थान के जितने भी राजा है उन्होंने अकबर की गुलामी स्वीकार कर ली, राणा प्रताप ने नहीं। अच्छा, इस बात को लेकर ही हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। सामने देखिए चेतक घोड़ा बना हुआ, घोड़े ने एलिफेंट का ट्रंक लगा रखा है, एलिफेंट के सुन में देखिए तलवार दे रखा है। अच्छा। वो चेतक घोड़े पर मार दिया, घोड़ा घायल हो गया। सभी लोग राणा प्रताप को मारने के लिए आए तो इनका बुद्धिमान सेनापति था ज्वाला मान सिंह, जिसने राणा प्रताप का मुकुट पहना और इधर घूमने लग गया। सब लोगों ने सोचा राणा प्रताप ये है, इसको राणा प्रताप समझ कर मार दिया, राणा प्रताप यहाँ से चले गए। घायल होने के बाद 5 किलोमीटर भागा और 22 फीट का नाला आया, इसको जंप मारकर घोड़े ने राणा प्रताप का जीवन बचाया। राणा प्रताप का जीवन बच गया, चेतक घायल हो गया। ये देखकर दो सैनिक राणा प्रताप को मारने के लिए आ रहे अकबर के, इनका भाई आया शक्ति सिंह, दोनों सैनिक को मार गिराया, बाद में दोनों भाई गले मिल गए। कहने का मतलब होता है ब्लड ब्लड के काम आ गए। क्या हो रहा है तेरे को? पैर दुख रहे हैं। तो भी फोटो खिंचाने के लिए जा रही है? No, I don't want no rest.
भी हम देखने जा रहे हैं, ये पूरा मोती मंगरी करके जो महाराजा स्मारक के अंदर ही आपको मिलेगा। और भी दो तीन लाइट शोज हैं पर वो बंद रखा है, अभी कोविड के चलते बंद रखा है। ये म्यूजियम काइंड ऑफ चीज़ है। सिटी पैलेस देखने से पहले अगर आप ये देख लो, थोड़ा सा नक्शा बोलते हैं ना, वो नक्शा यहाँ पे आप देख पाओगे और उसके बाद अगर सिटी पैलेस जाओगे तो ज़्यादा बेटर आइडिया आएगा। फोर्ट कुंभलगढ़ फोर्ट है, उदयपुर से 65 किलोमीटर दूर है। ये कुंभलगढ़ दुनिया का सेकंड नंबर वॉल है चाइना के। एक तलवार इसको दिया, फिर तलवार से वार किया, एक ही वार से आदमी और घोड़े के दो टुकड़े का नाम है जयमल और पत्ता। अकबर की सेना को चित्तौड़ में जाने नहीं दिया, इसकी गर्दन अलग हो गई, तलवार चलती पानी पीती पानी पीता। अलाउद्दीन इसकी परछाई पानी में लेकर शादी करने के लिए आया, पुरानी आग में कूद गई, इसको जौहर कहते हैं। सिटी प्लेस के तीन पार्ट हैं। वन पार्ट में राजा रहता है, सेकंड के अंदर राजा का होटल है, थर्ड के अंदर म्यूजियम बना हुआ है। होटल बना हुआ लेक पैलेस 5 स्टार, हाँ, और एक बना हुआ जग मंदिर। ऐसे ही बना हुआ था कि ताज वालों ने बनाया, ताज वालों को लीज पे दे रखा 1965 में, लीज पे दे दिया राजा ने। अच्छा, जैसे मुंबई का वो लीज पे चल रहा है उस तरह से। अच्छा, मतलब रतन टाटा ने, रतन टाटा ने एक्वायर किया। ये वो हल्दी घाटी यहाँ से 40 किलोमीटर, वो सामने चेतक घोड़ा है, उसके आगे हाथी खड़ा हुआ है। घोड़ा यहाँ से घायल हुआ, घायल होने के बाद 5 किलोमीटर यहाँ से आता है। अच्छा, यहाँ से वो भागते भागते, ये 22 मीटर का रिवर है, चेतक नाला दे रखा, हाँ हाँ हाँ, नाले को पार किया, आधा किलोमीटर चला, घोड़ा जब गिर गया राणा प्रताप की आंखों में आंसू आ गया, फिर इनका भाई शक्ति सिंह आया, राणा प्रताप को अपना घोड़ा दिया और युद्ध से राणा प्रताप को रवाना किया। 1 किलोमीटर इसका लंबाई है। रानी पद्मावती का पद्मावती का मोबाइल पद्मनी व्हाइट वाला। अच्छा, वो बताते हैं बराबर वो वहाँ से यहाँ से बाहर, वो जो खिलजी यहीं पे मूवी में जैसे बताते हैं वो खड़ा था कि अंदर कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ, तो उसने वो उधर से घुसा था। हाँ, जैसे आया वो सफर हो गई।